वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टेट केमिस्ट्री। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर वीटिक रिएक्शन। तो सर, इंट्रामॉलिक्यूलर का मतलब क्या है? अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट हो जाए, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इफ इट इज प्रेजेंट इन द सेम मॉलिक्यूल, इन दैट केस ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर वीटिक रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सर, तो न्यूक्लियोफाइल भी प्रेजेंट होना चाहिए और इलेक्ट्रोफाइल भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा सर? तभी ओनली इंट्रामॉलिक्यूलर वीटिक रिएक्शन होगा। इसका मतलब सर, वीटिक रिएक्शन तो जनरली होता है कार्बोनिल कंपाउंड और एक फॉस्फोराजिलाइड के बीच में। तो सर, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोनिल कंपाउंड भी प्रेजेंट होना चाहिए, उसके साथ साथ फॉस्फोराजिलाइड भी प्रेजेंट होना चाहिए। अरे हाँ या ना, समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन को देखो। तो इंट्रामॉलिक्यूलर वीटिक रिएक्शन कब होगा? अगर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो। तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अगर सेम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हो जाए, इन दैट केस जो रिएक्शन का नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर? इंट्रामॉलिक्यूलर वीटिक रिएक्शन। एकदम सही बोला। अब इस मॉलिक्यूल को देखो सर, ये तो एक बेंजीन है, उसके साथ ये है, ये पार्ट तो हम लोग पहले देखे हैं, इसको तो हम बोलते हैं फॉस्फोनियम सॉल्ट। और सर, फॉस्फोनियम सॉल्ट के साथ जब जब स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट हो जाएगा, तो यहां पर क्या फॉर्मेशन कर दोगे सर? फॉस्फोराजिलाइड। एकदम सही, मैंने यही बोला था जब मैंने प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फोराजिलाइड के बारे में आपको बोला था, दैट इज लेक्चर नंबर वन में। पहले क्या होता है, एल्काइल हैलाइड के साथ हमको ट्राइफिनाइल फॉस्फिन की रिएक्शन करवाना पड़ता है, तब हमको फॉस्फोनियम सॉल्ट मिलता है। अब फॉस्फोनियम सॉल्ट के साथ स्ट्रॉन्ग बेस की मुलाकात करवाना पड़ता है, इसका मतलब क्या है? फॉस्फोनियम सॉल्ट के साथ टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड की और एनी स्ट्रॉन्ग बेस की अगर रिएक्शन में करवा दूंगा, तो फॉस्फोराजिलाइड की फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो, अगर फॉस्फोराजिलाइड भी फॉर्म हो जाए, तो यहां पर कार्बोनिल कंपाउंड भी मिल जाएगा। इसका मतलब सर, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, और जब जब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तो क्या होगा? बोलो, आप लोग बोलो, जल्दी से बोलो सर। इंट्रामॉलिक्यूलर वीटिक रिएक्शन। एकदम सही, आप लोग एकदम सही बोले हो। अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर तो बेस है, बेस का काम क्या है? एसिडिक प्रोटॉन को खाना। तो यहां पर ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज जाके यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में क्या होता है सर? चिपकना चालू हो जाता है। तो क्या होगा, यहां पर कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि पाई बॉन्ड वीकेस्ट बॉन्ड है। अब क्या होगा, देखो यहां पर एक रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगा ना। हाँ सर, एक रिंग की फॉर्मेशन। और कितना मेंबर की रिंग सर? फाइव मेंबर सर। तो पहले सिक्स मेंबर रिंग जो है उसको तो पहले बनाओ, उसके साथ क्या है, फाइव मेंबर की अगर मैं बात बताऊ, ये कार्बन के साथ, ये कार्बन की नया बॉन्ड। हाँ सर, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, उसके साथ एक आर भी प्रेजेंट है। अब इसको मैं वन बोल रहा हूं, इसको मैं फाइव बोल रहा हूं, इसको मैं टू बोल रहा हूं, इसको मैं थ्री, और यहां पर क्या है, नाइट्रोजन, उसके साथ हाइड्रोजन। अब फोर के साथ फाइव की बॉन्ड ऑलरेडी है, तो उसको रख दो। अब यहां पर देखो, वन के साथ क्या प्रेजेंट है सर? वन के साथ ना यहां पर PPH3+Br- प्रेजेंट है। एकदम सही बोले हो आप लोग। अब क्या होगा, जब जब ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ये पार्ट हो जाएगा, इसका एक नाम है, मैंने वीटिक रिएक्शन में बताया था लेक्चर नंबर वन में सर, इसका नाम तो बीटा इन इंटरमीडिएट हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा, एक साइक्लिक फोर मेंबर ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, यानी साइक्लिक फोर मेंबर रिंग फॉर्म होगा। तो साइक्लिक फोर मेंबर रिंग कैसे फॉर्म होगा, ये जाके यहां पर इंटरेक्शन करेगा। तो इंटरेक्शन अगर कर जाए, तो यहां पर एक साइक्लिक फोर मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहां पर देखो, कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर फॉस्फोरस, और फॉस्फोरस के साथ क्या है सर? फॉस्फोरस के साथ ऑक्सीजन की बॉन्ड देखो ऐसा दिखाई देगा। अब क्या होगा, यहां पर सर इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स यही है, किसी भी करके स्ट्रॉन्ग पी डबल बॉन्ड ओ की फॉर्मेशन कर दो, दैट इज स्ट्रॉन्ग पी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दो, यही इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। ये जो
फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है बहुत ही हाई है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है, बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, इसलिए ये होना चाहेगा, इसका आदत यही है कि ये हो जाए। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक कार्बन के और कार्बन के बीच में, इन दोनों कार्बन के बीच में यहां पर भी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, इसका मतलब सर फायदा ही फायदा, दोनों जगह पे इसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रहा है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जब जब बनेगा तो वो चीज तो बहुत ही स्टेबल बन जाएगा ऑब्वियसली सर। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर तो सर यहां पर इस कार्बन के साथ इस कार्बन की डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब यहां पर नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था और यहां पर सर एक आर्थ था, ओके तो इसके साथ सर PH3P डबल बॉन्ड हो तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगा, तो यही हमारा पहला प्रोडक्ट बन जाएगा, ओके। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन को, सर ये मॉलिक्यूल को अगर आप ध्यान से देख रहे हो आप लोग, तो यहां पर क्या है सर, यहां पर तो सर कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है और उसके साथ आप इस पार्ट को एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो, और यहाँ पर एल्काइल हैलाइड के साथ ट्राइफिनाइल फॉस्फिन और अगर बेस प्रेजेंट हो जाए तो क्या फॉर्म होगा सर, फॉस्फोरस इलाइड। तो फॉस्फोरस इलाइड और कार्बोनिल कंपाउंड अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हो जाए तो कौन सा होगा, बोलो रिएक्शन, बोलो नाम क्या है सर, इंट्रामोलिकुलर मीटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर सामने देखना तो क्या होगा, ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा, ये कार्बन बीआर की बॉन्ड टूटेगा तो ऐसा मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर एक PPH3 प्लस हो जाएगा और एक तो हाइड्रोजन रहेगा, तो ये मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन कर दो, इस मॉलिक्यूल का ही फॉर्मेशन कर दो। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 की सॉल्यूशन बोल रहा हूं। अब देखो रिएक्शन मीडियम में क्या प्रेजेंट है सर, बेस प्रेजेंट है, और बेस जब जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा सर, एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा और क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन को खाएगा तो ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा, अब ये जाके यहां पर अटैक करेगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। तो देखो यहां पर सर 1, 2, 3, 4, 5 एकदम सही। तो नंबरिंग कर लो, अगर नंबरिंग नहीं करोगे तो रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, तो नंबरिंग करो, कभी भी गलत होगा नहीं, समझ में आ रहा है। अब देखो इस पे देखो सर, यहां पर ना एक 5 मेंबर रिंग पहले बनाना पड़ेगा, एकदम सही, तो 5 मेंबर रिंग बना दो। अब 5 मेंबर रिंग के ऊपर नंबरिंग कर दो सर, इस 1 और 5 के बीच में एक बॉन्ड बना है तो 1 और 5 पहले इसको लिख दो, अब 2, 3, 4 हो गया। अब देखो 1 के साथ सर PPH3 प्रेजेंट है और उसके साथ यहां पर क्या प्रेजेंट है, यहां पर सर CH3 और CH2, इसका मतलब इथाइल अब बोल सकते हो। तो ये अब देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है सर, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, अगर कार्बन के ऊपर यहां पर अटैक होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, हाँ या ना, टूट जाएगा। अब देखो यहां पर क्या प्रेजेंट है, ये CH3 प्रेजेंट है, गौर से देखना, गौर फरमाना। अब क्या होगा सर, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है और यहां पर फॉस्फोरस के ऊपर से पॉजिटिव हो जाएगा, हाँ यहां पर था, तो यहां पर ये जो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जनरली इसका एक नाम होता है सर बीटाइन इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस के बीच में बॉन्ड बना दो, तो अगर मैं बॉन्ड बना दूंगा तो क्या फॉर्म होगा सर, एक नाम हो जाएगा इसका, तो इसका नाम क्या है बोलो, ऑक्सोफॉस्फेटिल इंटरमीडिएट। अब इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यही रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है। तो क्या होगा, यहां पर डबल बॉन्ड बना दो और यहां पर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में भी डबल बॉन्ड बना दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा सर, आ जाएगा। तो यहां पर क्या फॉर्म होगा सर, देखो आप लोग देखो सर, ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ये मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है। तो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। तो इसके साथ और एक चीज फॉर्म होगा जिसका नाम है PH3P डबल बॉन्ड। व्हाट इट, तो हमने इंट्रामॉलिक्यूलर विटिग रिएक्शन को खत्म कर दिया है। तो आप लोग
इस क्वेश्चन को प्लीज देख के जाना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन YouTube में आप खोज लो कहीं पर भी नहीं करवाया है, तो इंट्रामोलिकुलर विटिग रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से नोट करो और इसका सॉल्यूशन भी लिख लो, और अगर आप लोग गूगल में और इसका एग्जांपल आप लोग सर्च करके अगर वहां से निकाल सकते हो कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन भी करके जाना, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आज के टाइम में बहुत आते हैं, ना कि इंटरमोलिकुलर। समझ में आ रहा है? अब देखो हमने तो पिछले क्लास में विटिग रिएक्शन की इंटरमोलिकुलर विटिग रिएक्शन खत्म कर दिया था, तो और दो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते, तो पिछले क्लास की कॉन्सेप्ट आप लोग की कितना नॉलेज गया है आपके अंदर में, तो वो और एक बार ट्राई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, सर यहाँ पर तो एक कार्बोनिल कंपाउंड प्रेजेंट है और ये तो सर एक इलाइट है, कैसा इलाइट? सर यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और जब जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो सर स्टेबिलाइज्ड इलाइट बन जाएगा, और स्टेबिलाइज्ड इलाइट कौन सा एल्किन की फॉर्मेशन करता है? सर ई एल्किन, तो यहाँ पर ई एल्किन बना दो तो प्रोडक्ट आ जाएगा, यहाँ पर ई एल्किन की बना दो फॉर्मेशन कर दो तो यही हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा, गॉट इट? अब यहां पर देखो, ये आई थिंक कैरुथर्स बुक की सवाल था, तो कैरुथर्स बुक की सवाल हमने कर लिया। अब ये जो सवाल है क्लेरेन बुक की सवाल है, क्लेरेन ये भी सेम कॉन्सेप्ट, यहां पर भी अगर आप देख रहे हो यहां पर भी क्या है सर, यहां पर भी जो इलाइट है ना वो स्टेबिलाइज्ड इलाइट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से साथ अटैच्ड है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ अटैच्ड है ना, C डबल बॉन्ड O O E T, देखो यही तो एग्जांपल है, तो क्या है सर, ये तो स्टेबिलाइज्ड इलाइट, और स्टेबिलाइज्ड इलाइट जब जब प्रेजेंट होगा तो क्या होगा सर, ई एल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगा एकदम सही, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो ऐसा दिखाई देगा ना, ऐसा दिखाई देगा ना, तो ये मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यही हमारा आज की क्लास की कंटेंट था, तो नोट कर लो सवाल को अच्छे से, क्योंकि ये सवाल आ सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देख लो प्लीज जाके देख लो, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको सिक्वेंशियली पढ़ना पड़ेगा तभी आप लोग कुछ सीख पाओगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और पार्ट वन और पार्ट टू भी देख लेना प्लीज। सो बाय बाय एवरीवन।